बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ युवक कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ आईजी ऑफिस का घेराव करने जा रहे युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर आईजी ऑफिस का घेराव करने जा रहे युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बढ़ते अपराधों और अपराधियों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबलपुर रेंज के आईजी भगवत सिंह चौहान के दफ्तर का घेराव कर विरोध जताने का ऐलान किया था, लेकिन जैसे ही युवक कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सिविल लाइन चौक से आईजी ऑफिस की ओर बढ़े, पुलिस ने सिविल लाइन थाने के पास कार्यकर्ताओं को रोक लिया। इस दौरान कांग्रेस युवक कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की होने लगी और बेकाबू युवा कार्यकर्ता जबरन आगे बढ़ने लगे, जिसे देखते हुए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार मारी और कार्यकर्ताओं को काबू में कर गिरफ्तार कर लिया। जहां पर युवक कांग्रेस नेताओं की मानी जाए तो शहर में नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है और हर पल कोई ना कोई व्यक्ति अपराधियों का शिकार हो रहा है। चोरी, लूट, नकबजनी और साथ में हत्याओं की वारदातें आम होने लगी है। बावजूद इसके पुलिस अपराधों को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है, जिससे लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब लोग अकेले घरों से निकलने में भी कतराने लगे हैं। युवक कांग्रेस नेताओं ने कानून व्यवस्था जल्द दुरुस्त न होने पर, अपराधों पर अंकुश न लगने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जी भाई, लगातार आप देख रहे हैं कि कोरोना के नाम पे लोकतांत्रिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का अध्यक्ष कल जबलपुर शहर में जब आए तो आपने देखा रैली निकली, डीजे लगाए गए, लेकिन आज किसी मंदिर में, आज किसी गुरुद्वारे में, आज किसी मस्जिद में, किसी भी धार्मिक जो जगह है वहाँ पे कोई भी त्यौहार मनाने तक के लिए अनुमति नहीं है। आप कहीं पे स्पीकर नहीं लगा सकते। फिर वैभव पवार जब जबलपुर शहर में कल अंदर शहर के घूम रहे थे तो गाड़ियों का हजूम था, गाड़ियों का जुलूस था, उनको किस आधार पे अनुमति दे दी गई? लोकतंत्र के नाम पे, कोरोना के नाम पे लोकतंत्र को जो दबाने का, कुचलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है, उसके खिलाफ ये आक्रोश रैली थी। ये हमारे युवा साथियों ने, आज युवक कांग्रेस के साथियों ने इस बात का विरोध प्रदर्शन किया कि बहुत ज्यादा कोरोना के नाम पे नियमों का के आड़ में आप लोकतंत्र को कुचलने का काम ना करें। दूसरी बात देखिए, जबलपुर शहर में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे दमो नाका में मर्डर हुआ हो, खुलेआम गोलियां चल रही हैं, खुलेआम चाकू चल रहे हैं, खुलेआम आप देखिए शराब के आते पूरे जबलपुर शहर के हर दुकान के आसपास बिगैर नियम के चल रहे हैं और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। महिलाओं के गले से चेने छीनी जा रही हैं, चोरियों के अपराध बढ़ रहे हैं। आप देखिए दुकानों में कोरोना के नाम पे एक तरफ आप देखें कि नियम बनाती पुलिस कि हमको 11 बजे बंद करना है, लेकिन शराब की दुकानें बड़े बड़े अधिकारी फोन करके टीआई को कह रहे हैं कि रात को 12 बजे तक खुलने दो, बहुत पैसा मिल रहा है इनसे हमें। तो ये इन सब बातों को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है और लगातार जिस तरह से कोरोना के नाम से नियम कानून बनाए जा रहे हैं उसका पालन भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के लिए नहीं हो रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए नहीं हो रहा और पुलिस प्रशासन उनके साथ गलभैया कर रही। पूरे पुलिस के अधिकारी आप रात को देख लीजिए, सब अवैध काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और खुलेआम पुलिस के कई वीडियो चल रहे हैं जिसपे वो कह रहे हैं साहब वो तो भारतीय जनता पार्टी का नेता, उसको कैसे मैं कानूनी कार्रवाई करूं? आप कांग्रेस के हैं या अन्य एक बिगैर किसी पार्टी का एक आम व्यापारी है, उसको परेशान किया जा रहा। आप देखिए चालान किस तरह से कोरोना के नाम पर हो रहा है, मास्क के नाम पर हजारों रुपये आप वसूल रहे, जा कहाँ रहे? और एक तरफ आप देखिए एक रुपये की राशि विकास के नाम पर नहीं है। इन सब बातों को लेकर आज कांग्रेस का प्रदर्शन था, जिसमें आपने देखा विरोध प्रदर्शन करना एक अधिकार है, हम अहिंसात्मक अधिकार अपना प्रयोग कर रहे हैं, अहिंसा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसको कुचलने के लिए लाठी चार्ज होती है, वाटर कैनिंग होती है, इन सब बातों के लिए लड़ाई लगातार संघर्ष सड़क पे जारी रहेगा। कांग्रेस का ये प्रदर्शन था, अनुमति ली गई? हाँ, बिना अनुमति के ये आंदोलन हो रहा था, इसमें उनको रोका गया और एहतियात के तौर पर गिरफ्तारी की गई और उनको अभी गिरफ्तारी की संख्या हम थोड़ी देर में आपको बता देंगे, गिरफ्तारी करके भेजा गया है स्थायी जेल। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।